अब बात करेंगे केरल की। केरल के कासरगोड में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल वहां पर नीलेश्वरम मंदिर के पास एक उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आतिशबाजी होती है और इस आतिशबाजी में 150 लोग घायल हो जाते हैं। जश्न में सराबोर लोग, फिर एक जोरदार धमाका और फिर चारों तरफ आग ही आग। हर ओर चित्कार और चीख पुकार। यह नजारा है केरल के कासरगोड के अंजुतांबलम विरार कावू मंदिर का, जहां लोग सोमवार को कल्याट्टम उत्सव के लिए जमा हुए थे। लोग भक्ति भाव में डूबे थे, श्रद्धालु भगवान से सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुशी में झूम रहे थे। लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और सारी खुशी मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक आतिशबाजी के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में करीब 100 लोग घायल हो गए। करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल धमाके की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही धमाके के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन यह हादसा एक सबक भी है। दिवाली के समय ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, इसीलिए जरूरी है कि आतिशबाजी के समय सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर सलमान खान को लेकर, जिसको लेकर धमकी के मामले में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से अगर बात करें तो युवक को, गुरफान को गिरफ्तार किया गया है। सलमान खान को धमकी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पे नोएडा से गुरफान को गिरफ्तार किया गया और गुरफान को मुंबई पुलिस को सौंप भी दिया गया है। दरअसल ये वही गुरफान है जिसपे आरोप है सलमान खान को धमकी देने का। अब मुंबई पुलिस इससे पूछताछ करेगी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गुरफान की हम, जहां पे इसको गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी गुरफान है, जो कि बरेली का रहने वाला है और इसने सलमान खान को धमकी दी है। फिलहाल नोएडा पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की गई है और मुंबई पुलिस को यहां पे सौंपने की बात निकल के सामने आ रही है। अब गुरफान ये बताएगा कि क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उसने सलमान खान को धमकी दी है। तो देखिए, वो शख्स है गुरफान, जिसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी गुरफान की उम्र मात्र 20 साल है। सोचिए, 20 साल का ये लड़का जिसने सलमान खान को धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा सेक्टर 93 से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे गिरफ्तार करने के साथ ही अगर बात करें तो फिलहाल इसको मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पे करते हुए सलमान खान को धमकी मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से आरोपी गुरफान गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच बड़ी बात यह, बड़ी खबर दरअसल यहां पर यह कि इस मामले में जिस तरीके से पूछताछ में बड़ा खुलासा भी होने की बात निकल के सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि यह बरेली का रहने वाला है और बरेली में रहने वाला यह युवक मात्र 20 साल का है, जिसको यहां पे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सामान्य ये कॉर्पोरेटर कारपेंटर था ये लड़का, सोचिए जरा सा। पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है, जो उसके पिता है वो सिलाई का काम करते हैं। मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पे टेक्स्ट मैसेज दिया था और ये कहा था कि हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। सेक्टर 92 में कोठी बन रही थी, वहां पर यह कारपेंटर का काम कर रहा था और बहुत ही कम उम्र का ये युवक, जिसकी तनख्वाह मात्र 8,000 महीने थी। और ये भी इसका कहना है दरअसल कि सिर्फ मजाक के लिए सब कुछ हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी अरेस्टिंग यहां पे हुई है नोएडा पुलिस की ओर से। 20 साल का मात्र युवक, जिसका नाम गुरफान है, फिलहाल इससे जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसका जो पिता है वो सिलाई का काम करता है, बरेली का रहने वाला है ये युवक और ये भी मात्र 20 साल का है, कारपेंटर का काम करता है। हालांकि जो पूछताछ हुई है, जो अब तक की जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये कारपेंटर का काम करता है, इसकी तनख्वाह मात्र 8,000 रुपए है और जो अब तक की जानकारी है वो ये, इसने यहां पर
और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे आरोपी गुरफान को लेकर गई मुंबई पुलिस। बड़ी खबर आ रही है जहां पे आरोपी गुरफान जिसने सलमान खान को धमकी दी थी उसको लेकर मुंबई पुलिस गई और अब मुंबई पुलिस पूछताछ करके तमाम जो रहस्य है, तमाम जो सवाल है उनके जवाब तलाशेगी, क्योंकि सलमान खान की धमकी का मामला दिनों दिन जिस तरीके से अलग अलग मोड़ ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये कि जिस गुरफान नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और फिलहाल आरोपी गुरफान को लेकर गई मुंबई। सलमान को धमकी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुंबई पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक गुरफान खान को हिरासत में लिया। बाबा सिद्दीकी के बेटे एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को दी गई धमकी। जिशान के ऑफिस में आया धमकी वाला कॉल, फिरौती की मांग की गई। जिशान के साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी गई, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इसके बाद अब गिरफ्तार किया गया आरोपी को। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। तीनों आतंकी हुए ढेर, इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। अखनूर में ऑपरेशन के लिए उतरे टैंक, एनएसजी ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर रखी गई थी नजर। पीएम मोदी रोजगार मेले में वर्चुअली हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार की दिवाली को बताया खास। कहा, अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली, 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। उधर झारखंड चुनाव को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता का बड़ा बयान। कहा, संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बन रहा है। सरकार बनने पर घुसपैठिए के बच्चों को आदिवासी का नहीं दिया जाएगा दर्जा। केरल के कसरगोड में आतिशबाजी के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पटाखों में एक साथ हुआ विस्फोट, 150 से ज्यादा लोग घायल। पटाखा विस्फोट में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। 150 में से 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के पटना में बड़ा हादसा हुआ। टनल हादसे में 2 की मौत हो गई है, 8 घायल। नवी मुंबई की एक सोसाइटी में 2 गुटों में बहस हो गई। मुस्लिम लोगों पर त्योहार पर लाइट्स लगाने का विरोध करने का आरोप। पुलिस पूरे मामले को सुलझाने में कर रही है कोशिश। दिल्ली की हवा लगातार हो रही है खराब। कई जगहों पर AQI 300 पार पहुंचा। जल्द लागू हो सकता है GRAP 3। उधर मुंबई की हवा में भी घुल रहा है जहर। शहर के कुछ हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत, अभी और बिगड़ सकते हैं हालात। प्रदूषण के घने कोहरे में लिपटा ताजमहल। ताजमहल के आसपास छाई धुंध, पर्यटक प्रदूषण की कर रहे शिकायत। झारखंड शराब घोटाले में ईडी के छापेमारी। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ठिकानों पर भी छापा। झारखंड में 15 ठिकानों पर ईडी की रेड। तमिलनाडु के ट्रैफिक पुलिस की दिखी दबंगई। कर्नाटक के रहने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट। ड्राइवर पर थप्पड़ों की बौछार की। उधर यूपी के बागपत में गैंग वॉर हुआ। इनामी बदमाश ज्ञानेंद्र और शराब माफिया प्रवीण बब्बू गैंग के बीच गोलीबारी हुई। माफिया प्रवीण बब्बू की मौत हो गई। दोनों तरफ से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्पेन के मेलॉर्का में बाढ़ ने मचाई तबाही। तेज पानी के